Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sabse pehle to main aapko main bahut khairaj tehseen pesh karta hu ki ye jo aapne do kaam kiye, ek to ye jo portal aapne launch kiya jiski wajah se mauka milega hamare intellectuals ko, academia ko शिरकत करने का हमारी डिबेट ऑन नेशनल सिक्योरिटी, तो एक तो इसकी मैं आपको मुबारक देता हूँ और दूसरा जो आज आपने ये इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग का आगाज़ किया है इसके लिए भी मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरत है हमारे मुल्क में इस डिबेट को कि असल में नेशनल सिक्योरिटी क्या है। हम अब तक नेशनल सिक्योरिटी को सिर्फ एक पॉइंट से देखते हैं कि ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को जितना हम स्ट्रेंथन करेंगे, फौज को जितना मजबूत करेंगे उतना सिक्योर हो, लेकिन एक्चुअली नेशनल सिक्योरिटी हम रियलाइज कर रहे हैं ऐसी ऐसी चीजें हैं जो पहले कभी कोई सोचता भी नहीं था। मसलन क्लाइमेट चेंज, इसकी कोई 5-6 साल पहले तो पाकिस्तान में कोई बात ही नहीं करता था क्लाइमेट चेंज की, लेकिन जो जिधर आज पाकिस्तान है हमारे लिए तो हमारी आने वाली जनरेशंस के लिए क्लाइमेट चेंज तो प्रॉब्ली एक ऐसी चीज है जो सबको ओवरशैडो कर सकता है। जो हमने एनालिसिस पढ़े हुए अब तक कि पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटी क्लाइमेट चेंज को, तो ये तो हमारी नस्लों के लिए हमारी जनरेशंस के लिए इतनी खौफनाक चीज हो रही है जिसका और मुझे बड़ी फख्र है कि हमारी हुकूमत ने इसके ऊपर एक्शन लिया, लेकिन ये नेशनल सिक्योरिटी के पैराडाइम में तो आता ही नहीं था कभी पहले, तो ये नई चीज है और ये उतनी ज्यादा शायद हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारी जो फौज जो हमें सिक्योरिटी हम फील करते हैं उस फौज की वजह से, ये भी एक इशू आ गया कि हमें अब क्लाइमेट चेंज की पूरी तैयारी कर रही है मुल्क को, तो ये भी ऐड हो गया नेशनल सिक्योरिटी के लिए। फौज के ऊपर मैं पहले कह दूं कि जो जिस अजाब से गुजरा है हमारा मुल्क 9/11 के बाद और जिस तरह की फिर वो इस मुल्क को जो सिक्योरिटी थ्रेट थी, तो ये तो ये एक ओकेजन है जब पहले तो अपनी फौज को अपनी आर्म फोर्सेस को अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को जिन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी लेकिन हमें सिक्योर किया, और आज अगर हम और कई और मुल्कों के मुकाबले में जो उसी तरह की थ्रेट फेस कर रहे थे उससे हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस इंटेलिजेंस एजेंसीज को जिस तरह हमने कॉम्बैट किया, तो ये रिमार्केबल है और ये हमें बड़ी सिक्योरिटी देता है। लेकिन आगे हमारे और भी चैलेंजेस हैं, जिस तरह पहले मैंने क्लाइमेट चेंज का कहा और मैं ये भी हमें बड़ा फख्र है कि हमारी गवर्नमेंट को इंटरनेशनली एक्नॉलेज किया है, जो हमारी 10 बिलियन ट्री सुनामी है ये इंटरनेशनली एक्नॉलेज है कि हमने वो स्टेप्स लिए हैं जो दुनिया में बड़े कम मुल्क ले रहे हैं, और हम हर उस मुल्क के साथ अब शामिल होंगे जो कि वो पैरिस अकॉर्ड की उसके साथ जो जो भी आप आगे क्लाइमेट चेंज के ऊपर स्टेप्स लेंगे, और मुझे बड़ी खुशी है कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने रिवर्स की अपनी पॉलिसी जो पिछले 4 साल की थी और ये भी अब पूरी तरह क्लाइमेट चेंज के अंदर शिरकत कर रहे हैं। जो हमारा एक और बहुत बड़ा मसला है फूड सिक्योरिटी, हम रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि जितनी तेजी से हमारी आबादी बढ़ रही है हमें ये आगे जितनी हमारी मसल वीट की जो प्रोडक्शन और जितनी अब हमने जो देखा है कि पहली दफा हम इस 4 मिलियन टन वीट हमने इम्पोर्ट किया एक साल में, तो गिवन कि हमारी आबादी हर साल बढ़ रही है तो इसके ऊपर भी फूड सिक्योरिटी के ऊपर इंशाल्लाह अप्रैल में हमें बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव अपने पूरी चीज लेके आ रहे हैं, एक नई सोच लेके आ रहे हैं कि हमने कैसे पाकिस्तान को फूड सिक्योर करना है, क्योंकि हमें ये जो 2 साल में एक्सपीरियंस हुआ हमने रियलाइज किया कि हम बिल्कुल ही कौम सोच ही नहीं रहे कि आगे जो फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, हमने हमारी कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर कैपेबिलिटी नहीं थी सोचने की तो दूर की बात है, हमारी असेसमेंट ही नहीं ठीक होती थी कि कितनी प्रोडक्शन होगी हमारे गंदम की, या वो सारे हमारे जो उन्होंने एस्टिमेट्स किए वो थे सब गलत निकले, तो अब हम इस
इस नतीजे पे आया कि इसके ऊपर तो सबसे ज्यादा जोर देना हमने कि अपने आपको फूड सिक्योर कैसे करना है अपनी पॉपुलेशन में जो बढ़ रही है, और यंग आबादी है, इसका मतलब हमारी ग्रोथ बाकी मुल्कों से ज्यादा तेज हो। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके साथ साथ उतनी इंपॉर्टेंट वो है हमारी इकोनॉमी। हमारा जो वल्नरेबिलिटी है वो ये कि जो डॉलर्स पाकिस्तान में आते हैं और जो डॉलर्स पाकिस्तान से बाहर जाते हैं उनमें ट्रेडिशनली बहुत बड़ा डेफिसिट रहा है। ये जो खसारा है ये डायरेक्ट इंपैक्ट करता है हमारी करेंसी के ऊपर, और वो करेंसी जब इफेक्ट होती है तो वो सब चीजें इफेक्ट हो जाती है। सबसे पहले तो इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन, और क्योंकि वो डायरेक्टली रिलेटेड है, तेल बढ़ता है, बिजली बढ़ती है, ट्रांसपोर्ट बढ़ती है, फिर जो हमारी 70% दाल इम्पोर्ट करते हैं गरीब आदमी का खाना वो बढ़ जाती है, घी हमारा बाहर से एडिबल ऑयल इम्पोर्ट होता है वो बढ़ जाता है, और वो सारी चीजें जब इफेक्ट होती हैं तो उसका नतीजा आखिर में गुर्बत पे पड़ता है, हमारे मुल्क में गुर्बत बढ़ जाती है। तो जो नेशनल सिक्योरिटी है वो तो हो ही नहीं सकती जिस मुल्क के अंदर थोड़े से अमीर लोगों और गरीबों का समुंदर हो। ये कभी भी वो मुल्क सिक्योर नहीं होता। सिक्योर वो मुल्क होता है जिसके अंदर सब बिलीव करते हैं कि हम ये हमारी गवर्नमेंट है, ये हमारा मुल्क है, हमारा भी स्टेक है इस मुल्क के अंदर। जब तक कि वो लोग ओन नहीं करते अपने मुल्क को तो वो सिक्योर नहीं मुल्क होता। फौज सिर्फ सिक्योर नहीं कर सकती। नेशनल सिक्योरिटी का मतलब एक नेशनल, एक नेशन खड़ी हो जाती है, अपने आप बिलीव करती है, उसकी स्टेक होता है उस मुल्क को बचाने के लिए। तो इसलिए ये जो हमारा हमारी इकोनॉमी है और जो अब तक हमारी एक एलिटिस्ट सिस्टम रहा है जिसने सिर्फ एक छोटे से एलीट को कैटर किया है, ये सबसे बड़ी पैराडाइम शिफ्ट है कि हमने वो करना है जो एक्चुअली चाइना ने किया। चाइना की रिमार्केबल चीज है, मैं तो जब भी चाइना गया हूं हमेशा मैंने उनसे ये ब्रीफिंग्स लिए हैं कि उन्होंने ये कैसे किया, ये मेरिट के लिए दुनिया की तारीख में कभी हुआ ही नहीं है कि उन्होंने 700 मिलियन लोगों को पिछले 30-35 साल में गुर्बत से निकाल के ऊपर ले लिया। और अब जो प्रेसिडेंट शी ने रिसेंटली कहा, उन्होंने सेलिब्रेट किया कि उन्होंने एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म कर दिया चाइना। ये बहुत, यानी जिस तरह भी आप देखें, जो चाहे चाइना को पसंद करे या ना करे, ये तो सबसे बड़ी चीज है जो हमें बात करनी चाहिए। और ये सबसे ज्यादा सिक्योरिटी देती है एक मुल्क को कि जिस मुल्क का हर इंसान समझे कि गवर्नमेंट हमारी भी फिक्र करती है, और हमारे लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है। हमारी जो गुर्बत है, हमारे 25% एक्सट्रीम पॉवर्टी कह लें और उसके बाद भी ऊपर 25% वो लोग हैं जो थोड़ा सा शॉक पड़ता है तो पॉवर्टी के नीचे आ जाते हैं। तो हमारी जो सबसे बड़ी कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए इनको ऊपर से कैसे, उनको ऊपर कैसे लेके आए। तो एक तो हमारा एहसास प्रोग्राम है जो पाकिस्तान की तारीख में एक सबसे कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम पॉवर्टी एलिविएशन का है। इसमें हमने चाइना, जिस तरह चाइना ने अचीव की ये जो एक्सट्रीम पॉवर्टी की इरेडिकेशन, उससे हमने काफी चीजें भी ली हैं, लेकिन उनका भी हर मुल्क का अपना अपना कल्चर और थोड़ा फर्क होता है। वो जो चीजें कर सकते हैं हम नहीं कर सकते। मसलन पूरी की पूरी आबादी, पूरी की पूरी आबादी उठा के कहीं और शिफ्ट कर देते हैं जो हम नहीं कर सकते, लेकिन उनके पास वो पब्लिक बिलीव करती है, उनके अंदर वो पब्लिक भी ट्रस्ट करती है कि हाँ ये हमारी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। तो हमें एहसास प्रोग्राम के अंदर अभी हमने बड़े इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं। एक तो हमने जो कैश डिस्पर्समेंट हमारी हुई थी कोरोना के दौर पर, वो दुनिया ने एक्नॉलेज किया सबसे थोड़े टाइम में, सबसे ट्रांसपेरेंट तरीके से, शफाफियत से हमने ताजा पैसा बांटा। लेकिन जो अब हम एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं और इसके ऊपर बहुत काम हुआ है, ये इंशाल्लाह इस मुल्क में और बल्कि दुनिया में भी इंशाल्लाह एक्नॉलेज होगा। टारगेटेड सब्सिडीज, और हमारी कोशिश ये है कि तकरीबन हम आधी आबादी से भी ज्यादा को टारगेटेड सब्सिडीज दें। अभी सब्सिडी सब मुस्लिम गंदम के ऊपर सब्सिडी है, तो वो मैं भी उस वही उतने पैसे दे रहा हूँ जितना गरीब आदमी दे रहा है,
लेकिन ये जो और इसमें बहुत काम हुआ है, हमने इसका जो डेटा पढ़े माइन्यूटली, ये डेटा इकट्ठा किया है इसमें बड़ी डिटेल्स में जाके कि हम कैसे हर घर को, अगर गंदों पर सब्सिडी देनी चाहिए तो उसको डायरेक्टली दें, अगर घी पर देने चाहते हैं फिर किसानों को, अगर हमने उनको फर्टिलाइजर पर सब्सिडी देनी है तो उनको कैसे दे सकते हैं, डायरेक्ट पहुंचा सकते हैं। ये इंशाल्लाह एक रेवोल्यूशन होगी और इसकी सबसे बड़ा मकसद ये होगा कि हमने लोगों को गुरबत से उठाना है। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि इकोनॉमी को अपने मुल्क की ग्रोथ रेट बढ़ाना। वो हमने जिस तरह भी हमने देखा है, जब तक हम हमारी रीजनल पीस नहीं होगी, हमारे इलाके में जो हमारे नेबर्स के साथ हमारे ताल्लुकात और ट्रेडिंग टाइज ठीक नहीं होगी, वो जो पाकिस्तान का जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसका हम पूरी तरह फायदा नहीं उठा सकते। हम असल में अगर ये इलाके में अमन आ जाए तो ये सबसे ज्यादा इसका बेनिफिशियरी पाकिस्तान है, क्योंकि हम चारों तरफ कनेक्टेड है, हम दुनिया की दो बड़ी मार्केट से कनेक्टेड है, यानी हम कनेक्ट एक से तो है चाइना के साथ, दूसरे से भी हो सकते हैं इंडिया के साथ। एक तरफ ईरान है, एनर्जी उधर से हमारे वो डेफिशिएंसीज पूरी हो सकती है, फिर सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान में अमन आता तो सेंट्रल एशिया तक। तो ये जो लोकेशन है इसका सिर्फ फायदा हम तब उठा सकते हैं जब हमारे रीजनल पीस हो। चाइना से तो हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हैं और बेहतर होते जाते हैं। अफगानिस्तान बड़ी देर के बाद एक उम्मीद मिली है पीस की, और ये बहुत देर के बाद एक अपॉर्चुनिटी आई है। किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि ये कितना मुश्किल है, इसके अंदर बड़े चैलेंजेस हैं। जो एक मुल्क में 20 साल से अगर सिविल वॉर टाइप सिचुएशन हो तो वो इतनी दुश्मनियाँ इतनी बढ़ जाती है कि इतना और मिसट्रस्ट इतना बढ़ जाता है कि आसान नहीं है। लेकिन इसका इतना इम्पोर्टेंट है अफगानिस्तान के लिए, और अगर कोई मुल्क का स्टेक अफगानिस्तान में अमन का है, अफगानिस्तान के बाद वो पाकिस्तान है, हमारा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। क्योंकि मैं जो मेरी मीटिंग्स हुई है सेंट्रल एशियन लीडरशिप से, वो सब इंटरेस्टेड है पाकिस्तान को इस्तेमाल करने के लिए, जो उनको लैंड लॉक्ड है तो उनके लिए पाकिस्तान बड़ा इम्पोर्टेंट है, और वो सब खुलती है उसकी चाबी अफगानिस्तान में अमन की। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान ने अपना पूरी जो हम कर सकते थे हमने कोशिश की है इसकी अफगानिस्तान में अमन की। लेकिन चैलेंजेस हैं, नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी अब उसी रास्ते पे चली गई है कि वो भी समझते हैं कि ये और 20 साल एक जंग चली और ज्यादा आगे नहीं जानी चाहिए। हम कोशिश भी कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं, और इंशाल्लाह कि एक तो अफगानिस्तान सेटल होता है तो बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा इस सारे इलाके, अफगानिस्तान के लिए बहुत फायदा है, पाकिस्तान के लिए सेंट्रल एशिया से कनेक्शन है, जो अभी हमारी नेगोशिएशन चल रही है उज़्बेकिस्तान से एक ट्रेन रूट की जो कनेक्ट करेगा पाकिस्तान को उज़्बेकिस्तान और आगे। अब लास्ट आ गया इंडिया, ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है कि जब मेरी गवर्नमेंट आई तो हमने पूरी कोशिश की हिंदुस्तान से कि हम अपने जो भी इश्यूज, हमारा इशू बेसिकली कश्मीर एक ही इशू है, हम उसको कैसे डायलॉग के जरिए हल करें और अपनी एक सिविलाइज नेबर्स की तरह अपनी रिलेशनशिप कायम करें। अनफॉर्चुनेटली 5th अगस्त आ गया और उससे बहुत बड़ा धचका पड़ा और हमारे टोटल ब्रेकडाउन हो गया दोनों मुल्कों के बीच में। अभी भी उम्मीद हम ये रखते हैं कि अगर वो कश्मीरियों को, जो उनका राइट है, जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल को राइट दी है कि अपनी जिंदगी का फैसला खुद करें, अगर वो राइट देते हैं तो ये हिंदुस्तान के लिए भी उतना फायदेमंद है जितना हम पाकिस्तान के लिए, कि अगर ये वो उस तरफ पीस की तरफ डायलॉग के जरिए अगर कश्मीर का रेजोल्यूशन की तरफ जाता है तो ये सारा इलाका चेंज हो जाता है।
और इससे दोनों मुल्कों को बहुत फायदा है, हिंदुस्तान को भी फायदा, इसलिए कि वहाँ बहुत बड़ी गुर्बत है। तो सबसे ज्यादा अगर गुर्बत को दूर करना है तो हमारी ट्रेडिंग टाइज और हमारी इकोनॉमिक टाइज स्ट्रॉन्ग हो, हमारी रीजनल कनेक्टिविटी बढ़े, हिंदुस्तान को फायदा, वो भी कनेक्ट हो जाते हैं सेंट्रल एशिया तक। तो ये है ना, ये एक आगे सिर्फ एक इशू है जो हमें रोक के रखा हुआ है इस वक्त, और हमारी हम तो अपनी कोशिश करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान को पहला कदम लेना पड़ेगा। जब तक वो पहला कदम नहीं लेते तो हम अनफॉर्चुनेटली आगे नहीं बढ़ सकते। मैं आखिर में मोहित आपको फिर से मुबारक होता हूँ, बहुत जरूरी था कि हमारी जो जो हमारी सिक्योरिटी डिवीजन है वो कनेक्ट करे और कोऑर्डिनेट करे सारे जो यूनिवर्सिटीज हैं और जो हमारे थिंक टैंक्स हैं और जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, और ये जो आपने पोर्टल आज लॉन्च किया, ये बहुत जरूरी है कि एक इंक्लूसिव किस्म की एक, बल्कि ये मुल्क की कोहिजन के लिए जरूरत है कि सबकी इनपुट आए, सबका कॉन्सेप्ट पता चलवाए कि हर पाकिस्तानी का क्या कॉन्सेप्ट है नेशनल सिक्योरिटी का, और वो रीजन टू रीजन भी वेरी करेगा। आप हैरान होंगे कि जो बलूचिस्तान में लोग समझते हैं नेशनल सिक्योरिटी, वो शायद पंजाब में नहीं समझते, या जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो जो एक्स फाटा है वो डिस्ट्रिक्ट्स, उनके अंदर भी इसमें और इश्यूज हैं। सो ये जब आप ये डायलॉग शुरू करेंगे और ये पोर्टल के जरिए, तो इससे बहुत ज्यादा जो जो हम चाहते हैं इंक्लूसिविटी पाकिस्तान के अंदर एक इस कोऑर्डिनेशन की वजह से नेशन बिल्डिंग में और नेशनल सिक्योरिटी में ये बहुत फायदा देगा। शुक्रिया। YouTube पर Googly TV देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।